जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो बेल आइकन का बटन दोस्तों इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इस चैनल पे आपके लिए एक बिग अपडेट लेकर आया हूँ। वो लेकर आया हूँ CASF-SEM 2019 की वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा और बहुत से बच्चे बोल भी रहे थे कि भाई सर, उसका बार बार पोस्टपोन हो रहा है। और आपको भी पता होगा कि 3-4 बार इसका पोस्टपोन एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो इसमें काफी इतना वो नहीं हो पा रहा है कंफर्मेशन कि होगा नहीं होगा, जो भी है, ठीक है। अभी भी लास्ट टाइम वो पोस्टपोन हो चुका था और फिर से वो कंडक्ट कराने के लिए अब बोला जा रहा है। तो इसी रिलेटेड ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों, जो CASF-SEM 2019 की जो वैकेंसी निकली थी, सभी के उसमें PhD फिजिकल हो चुके थे, ठीक है। बाकी इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, 2-3 वीडियो, कि इसके एग्जाम से रिलेटेड कि भाई इसका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, लेकिन उसमें CASF खरी नहीं उतरती है, ठीक है। बाकी हम तो थोड़ा सा जो इंटरनल मैसेज आते हैं उसके आधार पर आपको बता देते हैं, पर वो क्या करते हैं कि अपना इंटरनल मैसेजों को ही वो कर देते हैं, सर्कुलर कर देते हैं और फिर अपना ये पोस्टपोन कर देते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। या उनका एडमिनिस्ट्रेशन रीजन लगा लो, या फिर उनका बजट से रिलेटेड रीजन लगा लो, या कुछ भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये उनका अपना वो है। बाकी टाइम टू टाइम हमें इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कुछ पता नहीं है। क्योंकि देखो, ये 2-3 बार पोस्टपोन हो गया। अगर मैं अब फिलहाल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या पता ये एग्जाम 100% हो, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा सा मैं ये वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, फिजिकल इसका हो चुका है, ठीक है दोस्तों। फिजिकल कन्फर्म हो चुका है और इसका जो एग्जाम है, इसमें जो फिजिकल में कैंडिडेट थे वो 3,03,000 हैं, ठीक है। अब 3,03,000 वो पहले के हिसाब से हैं, लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाख रहे होंगे, 2.5 लाख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए होंगे, 100% वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए होंगे। तो इसलिए जो कैंडिडेट है वो बहुत कम हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी उनको ये उन्हें अभी एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी है वो अपना डेट देंगे कि भाई उसका रिटर्न एग्जाम कब होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन देने के बाद जो लास्ट में हमें पता लगेगा भाई कितने कैंडिडेट आए कितने नहीं आए, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। तो जो एग्जाम है दोस्तों, आपको पहला है पता है कि पहले भी पोस्टपोन हुआ, दूसरी बार भी पोस्टपोन हुआ, तीसरी बार भी पोस्टपोन हुआ, बार बार ये कभी उसका LDC एग्जामिनेशन होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है, तो बार बार पोस्टपोन हो रहा है। और लास्ट टाइम जो ये पोस्टपोन हुआ था उसमें कंफर्मेशन था 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 से लेके 15 तारीख तक आपका जून में एग्जाम कंडक्ट होना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने एक इंटरनल मैसेज दिया था कि ये जो है ये फिर से पोस्टपोन कर दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। बाकी अब दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई इनका कंडक्ट कराने के लिए, तो वही मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बाकी ये 100% मैं ये नहीं कह सकता भाई 100% तभी होगा, इसमें भी चांसेस यही हैं भाई, 99% चांसेस हैं, क्योंकि 1% तो CASF कभी भी गड़बड़ कर देती है और 4-5 बार से वो गड़बड़ ही करती आ रही है। कोई भी वैकेंसी वो अपना टाइम पर क्लियर नहीं कर रही है, ठीक है। अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन रीजन लगा लो या कुछ भी लगा लो या बजट से रिलेटेड कुछ भी लगा लो, पर वो टाइम टू टाइम अपना क्लियर नहीं कर रही है और बच्चों को बहुत ही परेशानी हो रही है। क्योंकि जो 2019 से बच्चा बैठा हुआ था और आज आपका देख लो 20, 21, 22, 23 चार साल हो चुके हैं, कितना इंतजार करवा रही है CASF की वैकेंसी, बहुत ज्यादा इंतजार करवा रही है। और पर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आप प्रिपरेशन में लगे रहो, जरूरी नहीं कि CASF की प्रिपरेशन में, ठीक है। सभी CAPF में अपना प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। अपना आपका रिजल्ट जरूर सिलेक्शन में होगा, टेंशन मत लो, सिलेक्ट आप जरूर होगे, ठीक है। कंफर्मेशन जरूर आएगा आपका, ठीक है। जो मेहनत करता है उसकी जीत हमेशा होती है और एक दिन हमेशा वो लगता है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप अपना प्रिपरेशन करते हो तो अभी जैसे CASF का तो सुनने में आ रहा है दोस्तों, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सुनने में आ रहा है कि जुलाई में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। जुलाई में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, कोई कह 15, कोई कह रहा 20 जुलाई,
मतलब जो भी है एक नोटिफिकेशन सा आया सर्कुलर, मतलब इंटरनली है, जुलाई में ही इसका बोले जा रहा है और ये 15 जुलाई के बाद ही इसमें एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, 15 जुलाई के बाद ही। हाँ, ये 20 जुलाई का इसमें डेट दिया है, ठीक है, 20 जुलाई का डेट दिया, 20 22 और अलग 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 डेट इसमें दी हुई है। तो देखो दोस्तों, अब या तो उनका CISF का आगाह करना है ये, या कुछ भी लगा लो, बट आप अपना प्रिपरेशन में रेगुलर रहो, ठीक है, और जो कंफर्मेशन होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। बाकी अभी इंटरनल जो मैंने CISF में कंफर्म किया है कि भाई जुलाई में उसका होने का चांसेस है, ठीक है, और उन्होंने मतलब इंटरनली मैसेज, देखो मैं शेयर नहीं कर सकता, इंटरनल मैसेज जो भी है वो शेयर कर रहे होंगे, बाकी मैं शेयर नहीं कर सकता। तो इसमें एग्जामिनेशन आपका हो सकता है जुलाई में ही, तो अपना जो भी रेगुलर बेसिस पे अपना प्रिपरेशन करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो पोस्टपोन बार बार कर रहे हैं और अभी भी आप सोच रहे होंगे कि भाई कहीं फिर से पोस्टपोन कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि पोस्टपोन हो जाएगा और फिर से फिर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि किस्मत के फेर ऐसे ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि किस्मत में जो होता है वो होता ही है, ठीक है। जैसे क्या होता, पोस्टपोन 4-5 बार हो रहा था, आप प्रिपरेशन में रेगुलर लगे रहे थे, लेकिन अब इस बार प्रिपरेशन आप नहीं करोगे तो अब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम हो जाएगा और फिर आप वहां पे हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे, ठीक है, फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। इसलिए अपना रेगुलर अपना प्रिपरेशन रखो, ठीक है, अपना जो भी है मैथ, इसमें क्या है, 25 नंबर का मैथ रहेगा, 25 का हिंदी रहेगा, 25 का जीके रहेगा, 25 का रीजनिंग रहेगा, नॉर्मल बेसिस पे इसका क्वेश्चन मतलब वो आता है एग्जामिनेशन, ठीक है, नॉर्मल आता है CISF का, बाकी CRPF वगैरह इसकी तुलना में बहुत नॉर्मल आता है CISF का एग्जाम, तो उसी हिसाब से क्या है, शायद मेरिट भी थोड़ी अप हो सकती है, वैसे मेरिट अब भी ना होने का भी चांसेस है क्योंकि 2019 से ये बहुत 4 साल हो गए इस वैकेंसी को, इसलिए, ठीक है दोस्तों, तो अपना रेगुलर प्रिपरेशन करते रहें, आपका जुलाई में चांसेस हैं, ठीक है, और जो ये अपना ये मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं दोस्तों, मैं मॉक टेस्ट डेली, एक मॉक टेस्ट अपना डेली लगाएं, उसका एनालिसिस निकालें और जो भी आपके हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन थे उनको अलग लिखें, ठीक है, उनको नोट्स के रूप में बनाएं या जो भी है अपना मतलब प्रिपेयर उनको करते रहें, क्योंकि वही मेन वही है, क्योंकि जो आप पे आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है उसकी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी आप आगे सक्सेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपना प्रिपरेशन करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें थोड़ा सा इससे क्या है दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा और जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, ठीक है, तो अपना प्रिपरेशन में लगे रहें, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।